रेसवा एकेडमी के परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनके अपने चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। दिस इज कोमल सोनी, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद बिहार, चैनल्स नेम रेसवा एकेडमी। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस हमारे सर एज इंजीनियर अशोक सर एंड एरी विकास सर यहाँ क्लासेस देते हैं और बेहतरीन वीडियो शेयर करते हैं, जिससे पढ़कर स्टूडेंट्स बेहद खुश हैं। अगर आप भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छी जगह पे आए हैं। आप पहले 2-3 वीडियो चेकआउट कीजिए और आप इनकी सारी की सारी वीडियोज आपके लिए कमाल की साबित होगी और आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं और काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके हमारे इस खूबसूरत से परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए। तो मैं बताऊंगी कि मैं यहाँ कैसे ज्वाइन हुई। जब मैं यहाँ नहीं ज्वाइन हुई थी तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, जब मैं यहाँ ज्वाइन हो गई तो मुझे क्या क्या फैकल्टीज मिली, क्या क्या हेल्प्स मिले, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियोज़ को देखिए, मैं आप लोगों को वो सारी बातें बताऊँगी, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो जब मैं यहाँ ज्वाइन नहीं हुई थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, जैसे क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत होते थे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते थे मुझे, फिर मैथ्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते थे, बहुत लॉन्ग मेथड हो जाते थे, मुझे लॉन्ग मेथड आते थे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लॉन्ग वे में बना देती थी, जिससे मुझे टाइम का मेंटेन नहीं हो पाता था। तो जब मैं रेसवा एकेडमी में जुड़ी तो मुझे यहाँ से मैंने 2-3 वीडियोज को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ ज्वाइन हो जाना चाहिए, यहाँ बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। तो पहले मुझे फिजिक्स की क्लास बहुत अच्छी लगी, फिजिक्स में जो थियोरीज वीडियो थी वो भी बहुत अच्छी थी और सर एरिक विकास सर का पढ़ाने का भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इतनी फन वे में पढ़ाते थे कि कब टाइम निकल जाता था पता भी नहीं चलता था, वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कराते थे, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाता था और उन्हीं की वजह से मुझे न्यूमेरिकल्स आते भी हैं आज। उन्हीं वजह से मैं लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के या वर्नियर कैलिपर्स के जितने भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं ना, वो सब मैं अच्छे से सॉल्व कर लेती हूँ आसानी से। और इंजीनियर अशोक सर की क्लासेस होती है जो मैथ की होती है, वो मैथ तो इंटरेस्टिंग है, मैथ में मुझे इंटरेस्ट है तो मुझे मैथ पढ़ना अच्छा लगता है और उनकी क्लासेस बहुत अच्छी होती है और वो इतना अच्छा पढ़ाएंगे ना कि मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो उनकी क्लासेस करने के बाद फिर से नहीं पढ़ेगा। वो चाहेगा ही कि मैं उनकी एक बार क्लासेस लूँ ना तो फिर से क्लासेस लेने के लिए चाहेगा, क्योंकि वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतनी अच्छी मेहनत करते हैं और टाइम टू टाइम वीडियो देते हैं, हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज भी वो लेकर आते हैं। और जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको सारी के सारी नोटिफिकेशंस ग्रुप में मिल जाती हैं और ऐप में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए अवेलेबल हैं, 10 कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसमें लाइव क्लासेस हैं, थ्योरीज वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे ही आप कोर्स में ज्वाइन होंगे आपको सबसे पहले थ्योरीज वीडियो मिलेगी, जिससे आपको पढ़ के पहले रेडी रहना है, फिर नेक्स्ट डे सर क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे और लाइव क्लासेस भी मिलेंगे और मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे पता चल जाता है कि आप लोग के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन जा रहे हैं, तो आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने आपके वो जा रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर सर भी कराते हैं लाइव क्लास में, लेकिन आपको खुद से करना जरूरी है। घर में पहले आपको अटेम्प्ट करना होगा, घर में पहले प्रैक्टिस करना होगा और सभी स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, आप जहां से भी हो सभी के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगे हुए हैं ऐप में। और आप अगर आप बिहार से हैं तो आपको OMR शीट पर प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं OMR शीट में प्रैक्टिस करती थी और संडे को यहाँ प्राइज टेस्ट भी होती है। संडे को जैसे 1 वीक में जितना भी पढ़ाया गया है उसका प्राइज टेस्ट लिया जाता है, जिससे आपको पीछे की सारी चीज़ें रिविजन्स हो जाती है और जैसे हमारा मेमोरी पावर है ना, वो पीछे की चीज़ें को धीरे धीरे भूलते जाती है। तो जब सर टेस्ट लेते हैं ना तो हमारी चीज़ें जितने भी हम भूल गए हैं वो सब फिर से रिमाइंड हो जाती है और जो टेस्ट में फर्स्ट आते हैं उन्हें प्राइज भी मिलता है और बहुत कम फी भी है यहाँ पे। तो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं वो कम फी में ज्वाइन भी हो सकते हैं, इतनी बहुत कम फी, 299 में मैंने शायद ज्वाइन हुई थी मैं शायद, और अभी भी शायद उतना ही है। तो आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी कमी महसूस नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और जो क्वेश्चन, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाती है, कुछ कुछ डाउट्स रह जाते हैं और हम लोगों के लिए सर 24 आवर्स अवेलेबल भी नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को सर ने प्राइवेट ग्रुप दिया है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्वेश्चंस का, आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करा देंगे। तो आपको
बहुत अच्छी से हेल्प मिल जाएगी। वो मुझे वो ये फीचर्स मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे इसकी बहुत नीड थी और सर ने ये अवेलेबल कराया, तो ये बहुत थैंक यू उनके उनको। और मैं आज उनकी ही बदौलत रेसवा एकेडमी की मैं भी रेसवा एकेडमी की ही प्रोडक्ट हूँ, तो आज उन्हीं की बदौलत मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 में पढ़ाई कर रही हूँ और इतना अच्छा मेरा रैंक आया। शायद अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ती, शायद मैं अच्छे से पढ़ाई ना कर पाती, तो इतना अच्छा मेरा रैंक नहीं आता और इतना अच्छा मैं पढ़ाई ना कर पाती। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग पहले वीडियोज़ देखिए और इनसे देख कर आप खुद ही ज्वाइन कीजिए कि आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे हैं। और पहले सुबह 7 बजे क्लासेस होती है, फिर शाम को 7 बजे होती है, 11 बजे होती है और फिर कभी कभी 2 बजे भी होती है। और सारी वीडियोस कमाल की होती है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी नॉलेजेबल है, सब कुछ आपको काम ही आएगी कहीं ना कहीं। तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, अगर आप क्लास ज्वाइन किए हैं तो सभी वीडियोज़ देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, मैं यही कहूँगी क्योंकि मैंने भी यहीं से पढ़ाई की थी और मुझे कहीं और कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, हर चीज़ मुझे टाइम टू टाइम मिली और बहुत अच्छी लगी यहाँ की क्लासेस। इसलिए मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, इनकी वजह से इतने अच्छे, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से और उन सभी स्टूडेंट्स की तरफ से जो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, सभी की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। तो बस मैं अब वीडियो को एंड करूँगी और सभी को अपना जो मोटिवेशन है वो कभी खोना नहीं चाहिए, जैसे कि वो है ना कि हम लोग कभी भी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, ये आपको कभी नहीं करना है, आपको बस कोशिश करते ही रहना है, आप कभी ना कभी ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। आपको हमेशा सर हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे, मोटिवेशन की ये है, सर हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, तो आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको ऐसा होना है कि नहीं, जो मैंने पढ़ाई की वो बहुत बेस्ट है और ऐसे ही आप करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे एक ना एक दिन, और एक ना एक दिन हमारे मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। इसलिए हम लोग अगर स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को मेहनत करते ही रहना है। और वो कहते हैं ना कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सूरज की तरह जलना होगा, तभी आप सूरज की तरह चमक सकते हैं। भगवान ने हम सभी को डायमंड ही बनाया है, बस उसको अच्छे से तराशने की ज़रूरत है। अगर हम उसको आप लोग को अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, फिर हम लोग सभी एक कोहिनूर हीरा ही हैं। तो अभी मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ले ली, अब मैं आप वीडियो को एंड करना चाहूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।